हेलो फ्रेंड, नीटिंग डिज़ाइन में ये देखिए प्यारा सा पुलोवर है और बीच में हमारी डिज़ाइन की बनी हुई है। बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत बेल की डिज़ाइन है जो दो रंगों से ये बनी हुई है। तो आइए आज के इस वीडियो में इस बेल की डिज़ाइन को हम बनाना सीखते हैं कि ये डिज़ाइन कैसे बनी हुई है। ये देखिए, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 12 के मल्टीपल फंदे चाहिए प्लस 1, तो पूरी डिज़ाइन हमारी सेट होगी। तो यहाँ पे मैंने 12 के मल्टीपल 24 प्लस 1, टोटल हमारे 25 फंदे हैं। तो आइए देखते हैं इस 25 फंदों में हमारी डिज़ाइन कैसे बनेगी। ये देखिए, इस डिज़ाइन की फर्स्ट रो में हम शुरू में वाइट कलर से 5 फंदे बनाएंगे। ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 फंदे वाइट के हो गए। अब हमारा ब्लू कलर मैंने लिया है, 1, 2, 3 फंदे ब्लू के, और फिर हमारा वाइट कलर 1, 2, 3, 4 फंदे वाइट। अब इन्हीं फंदों को हमें फिर बार बार रिपीट करना है, तो एक बार और रिपीट करते हैं। तो 5 फंदे हमारे वाइट के होंगे, तो 1 मैंने बना लिया। अब बीच में उनको ऐसे फंसाते भी जाना है, ये 2, 3, 4, 5 फंदे ये वाइट हो गए। अब हमारा ब्लू कलर, 1, 2, 3 फंदे ब्लू और 1, 2, 3 और 4, और डिज़ाइन को सेट करने के लिए 1 वाइट हम और बनाएंगे जो मैंने प्लस 1 किया था। तो शुरू में भी हमारे 5 फंदे हो गए और लास्ट में भी हमारे 5 फंदे हो गए। ये देखिए रो नंबर 2 है, जिसमें शुरू में हमारा वाइट कलर रहेगा, 1, 2, 3, 4 फंदे वाइट के। अब हमारा यहाँ पे ब्लू कलर, ब्लू कलर से हम ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 फंदे ये ब्लू के। अब हमारा वाइट कलर, 1, 2, 3 फंदा ये वाइट। अब इसे ही हमें फिर बार बार रिपीट करना। ये देखिए, फिर मैंने यहाँ पे 4 फंदे वाइट, 5 फंदे ब्लू और 3 फंदे वाइट के किए, और एक मेरा एक्स्ट्रा वाला 1 वाइट और हो गया। तो साइड साइड में हमारे 4-4 फंदे हैं वाइट के और बीच में हमारे 7 फंदे वाइट के हैं। ये देखिए, अब हम रो नंबर 3 पे हैं। रो नंबर 3 में पहले हमारा वाइट कलर ही रहेगा, तो वाइट कलर से 1, 2, 3 फंदे वाइट। अब हमारा ब्लू, ब्लू से 1, 2 फंदे ब्लू, 1 हमारा वाइट कलर आ जाएगा, 1 हम ब्लू से करेंगे, 1 वाइट, 1, 2, ये देखिए 1, 2 फंदे ब्लू के। अब हमारा वाइट कलर आ जाएगा, वाइट कलर से 1, 2 हम वाइट से बनाएंगे। अब देखिए, इन्हीं फंदों को हमें 3 वाइट से और ये 2 वाइट तक पूरी रो में हमें बार बार रिपीट करना है। ये देखिए रो नंबर 4 है, रो नंबर 4 में 1, 2 फंदे वाइट के। अब हमारा ब्लू कलर, 1, 2 हम ब्लू से करेंगे, और हमारा वाइट कलर, 1 ब्लू कलर से 1, 2, 3 फंदे ब्लू के, 1 हमारा वाइट, 1, 2 फंदे ब्लू और 1 हमारा ये वाइट कलर। अब इन्हीं फंदों को हमें बार बार पूरी रो में रिपीट करना है, और जब यहाँ पे हम लास्ट में आएंगे तो 2 फंदे हमारे वाइट के रहेंगे। ये देखिए रो नंबर 5 आ गई हमारी, रो नंबर 5 में 1 फंदा हमारा ये वाइट कलर रहेगा, और अब हमारा ब्लू कलर, 1, 2 हम ब्लू से करेंगे, और वाइट कलर, 1, 2,
तीन फंदे वाइट, ये बीच वाला एक हमारा ये ब्लू रहेगा, फिर वाइट कलर से एक दो तीन फंदे वाइट और एक हम ये देखिए तीन वाइट के बाद दो फंदे हमारे ब्लू के रहेंगे। अब देखिए इन्हीं फंदों को रिपीट करना है, तो एक बार और हम रिपीट करके दिखाते हैं। एक हमारा वाइट रहेगा, एक दो ब्लू और वाइट कलर से एक दो तीन फंदे वाइट, एक ब्लू, एक दो तीन फंदे वाइट, एक दो फंदे ब्लू के और लास्ट में फिर एक हमारा वाइट कलर रहेगा। ये देखिए रो नंबर 6, जिसमें शुरू में एक हम वाइट कलर से करेंगे, अब हमारा ब्लू कलर, एक दो तीन फंदे ब्लू के, एक दो वाइट, एक हमारा ये ब्लू कलर, एक दो वाइट, एक दो तीन फंदे ब्लू के। अब देखिए पूरी रो में हम इसे ही एक वाइट से तीन ब्लू तक बार बार रिपीट करेंगे। ये देखिए रो 6 तक मेरी ये डिज़ाइन बन गई। अब हम रो नंबर 7 पे हैं, जिसमें पहला फंदा हमारा ये वाइट रहेगा और एक हमारा ये ब्लू कलर, एक ब्लू के बाद फिर एक हमारा वाइट, एक दो फंदे ब्लू के, एक वाइट, एक ब्लू, एक वाइट, एक दो फंदे ब्लू के, एक वाइट और एक हमारा ब्लू। अब ये देखिए एक वाइट से और एक ब्लू तक इन्हीं फंदों को पूरी रो में हमें बार बार रिपीट करना है। ये देखिए रो नंबर 8, रो नंबर 8 में एक हमारा वाइट, एक हम ब्लू से बनाएंगे, एक दो फंदे वाइट, अब हमारा ब्लू कलर, एक दो तीन चार पांच फंदे ये ब्लू के, एक दो वाइट, एक हमारा ये ब्लू कलर। अब देखिए एक वाइट से लेकर यहाँ एक ब्लू तक इसे ही हमें पूरी रो में रिपीट करना है। ये देखिए रो नंबर 8 तक मेरी ये डिज़ाइन बनी। रो नंबर 9 में वाइट के ऊपर हम एक वाइट ही करेंगे, एक हमारा ये ब्लू कलर और एक ब्लू हम और करेंगे, दो ब्लू, अब हमारा वाइट कलर, एक दो फंदे वाइट के, फिर हमारा ब्लू कलर, एक दो तीन फंदे ब्लू के, एक दो हमारा वाइट, एक दो फंदे ब्लू के। तो शुरू में एक वाइट से स्टार्ट होगा और ये दो ब्लू तक, अब इसे ही हमें पूरी रो में रिपीट करना है। ये देखिए रो नंबर हमारी 10 है। रो नंबर 10 में वाइट के ऊपर एक हमारा साइड में वाइट कलर ही रहेगा, अब ये ब्लू कलर, ब्लू कलर से एक दो तीन फंदे ब्लू के, एक दो वाइट, बीच में हमारा एक ब्लू, एक दो वाइट, फिर हमारा ब्लू कलर, एक दो तीन फंदे। अब ये देखिए
एक वाइट तीन ब्लू, दो वाइट एक ब्लू, दो वाइट तीन ब्लू, इस पूरी रो में हम रिपीट करेंगे और जब हम लास्ट में आएंगे तो एक वाइट के ऊपर हमारा एक वाइट कलर ही रहेगा। ये देखिए रो नंबर 10 तक ये मेरे दो डिज़ाइन मैं एक साथ बना रही हूँ, दो डिज़ाइन बन गई। अब हम रो नंबर 11 पे हैं जिसमें एक वाइट के ऊपर हमारा एक वाइट ही रहेगा। और अब हमारा ब्लू कलर, एक ब्लू, एक हमारा वाइट, एक दो फंदे ब्लू के, एक वाइट, एक ब्लू, एक वाइट, एक दो फंदे ब्लू के, एक वाइट और एक हमारा ये ब्लू। ये देखिए यहाँ एक वाइट से मैंने स्टार्ट किया और एक ब्लू तक। अब इन्हीं फंदों को फिर रिपीट करना है। ये देखिए रो नंबर 12 जिसमें एक हमारा ये वाइट कलर, एक हम ब्लू से बनाएंगे। अब वाइट कलर से एक दो फंदे वाइट, ब्लू कलर, एक दो तीन चार और एक पांच, पांच फंदे ब्लू, एक दो हमारा वाइट और एक हम ब्लू से करेंगे। तो ये देखिए अब इन्हीं फंदों को पूरी रो में हमें रिपीट करना है। ये देखिए रो नंबर 13 जिसमें एक हम वाइट के ऊपर वाइट ही करेंगे। अब हमारा ब्लू कलर, एक दो फंदे ब्लू के, एक दो वाइट। अब हमारा ब्लू कलर, एक दो तीन फंदे ये ब्लू के, एक दो वाइट, एक दो फंदे ब्लू के। ये देखिए तो एक वाइट दो ब्लू, दो वाइट तीन ब्लू, दो वाइट दो ब्लू। अब इन्हीं फंदों को हमें बार बार रिपीट करना है पूरी रो में। ये देखिए रो नंबर 14 है, रो नंबर 14 हमारी पूरी ब्लू कलर से रहेगी। तो यहाँ से हम रो नंबर 14 और 15 दो रो पूरी हम ब्लू कलर से ही बनाएंगे। उल्टी तरफ से उल्टा और सीधी तरफ से सीधा बनाते हुए ये पूरी दो रो हम बना के आपको दिखाते हैं। ये देखिए 14 और 15 दो रो मैंने ब्लू कलर से बनाई है और उसके ऊपर तीन सिलाइयाँ वाइट कलर से मैंने बनाई है। तो ये नीचे वाली डिज़ाइन ये हमारी बन गई और उसके ऊपर जो येलो कलर से डॉट डॉट डिज़ाइन बनी हुई है तो उसे हम बनाना सीखते हैं। तो उसके लिए हम फर्स्ट रो येलो कलर वाली, एक दो तीन फंदे वाइट और यहाँ पे फिर हमारा येलो कलर आ गया है और येलो कलर से हम दो फंदे बनाएंगे, एक दो हमारा येलो और फिर हमारा वाइट कलर से एक दो तीन फंदे। अब इस तीन वाइट दो येलो तीन वाइट को हमें बार बार रिपीट करते हुए ये पूरी रो बनानी है। ये देखें इस तरह से मैंने ये पूरी रो बना ली है और येलो कलर की सेकंड रो जो हमारी है वो सेम कलर से ये पूरी रो बनानी, येलो के ऊपर येलो और वाइट के ऊपर वाइट। ये देखें येलो कलर से हमारी दो रो बन गई। अब हम थर्ड रो पे हैं तो इसमें हमारा एक अब वाइट कलर आ जाएगा और हम येलो कलर से एक दो तीन चार पाँच छः फंदे ये येलो के हो गए और एक हमारा वाइट कलर। अब इसे ही हमें पूरी रो में रिपीट करना है, एक वाइट छः येलो एक वाइट, फिर एक वाइट छः येलो एक वाइट करते हुए ये पूरी रो बनानी है। ये देखिए फोर्थ रो में हमें सेम कलर येलो के ऊपर येलो
और वाइट के ऊपर वाइट कलर से ही बनाना है। ये देखिए रो 4 तक मेरी ये डिज़ाइन बन गई येलो वाली। अब रो नंबर फाइव में हम 3 फंदे अब वाइट से बनाएंगे। 1, 2, 3 फंदे वाइट, 1, 2 फंदे येलो, फिर 1, 2, 3 फंदे वाइट। अब इन्हें ही हमें बार बार रिपीट करना है। तो ये देखिए 2 फंदे और 1, 3 वाइट, 1, 2 येलो और फिर हमारे 3 फंदे वाइट के, 1, 2, 3। ये देखें रो नंबर 6 में हमारी सेम कलर लगाते हुए ये डिज़ाइन पूरी बनानी है। ये देखिए अब यहाँ से हमारी ये डिज़ाइन पूरी कंप्लीट हो गई है। और इसके बाद हम वाइट कलर से 8 या 10 सिलाइयाँ प्लेन बनाएंगे और फिर ये नीचे हमारी ये बॉर्डर की डिज़ाइन बनेगी। इस तरह से ये पूरे स्वेटर में डिज़ाइन बनाइए तो बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन आपकी बन के आ जाएगी। आइए अब इस डिज़ाइन का हम ग्राफ भी देखते हैं। ये देखिए इस डिज़ाइन का ग्राफ है। इस ग्राफ के हेल्प से भी आप इस डिज़ाइन को बना सकती हैं। मेरा वीडियो अगर पसंद आया प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए डिज़ाइन आपको कैसी लगी। थैंक यू।